माई डियर स्टूडेंट्स एंड यू नोट टू डे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इट इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर आई होप यू विल भी हैप्पी टू राइट और इस लेक्चर में आज हम क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट्स कि बेसिकली हम तीन डिफरेंट जगहों पे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बना रहे थे यू नो वेरी वेल हम लोगों ने ग्लाइकोलोस में लिंक रिएक्शन में और फिर क्रैप साइकिल के डिफरेंट पॉइंट्स पे हम लोगों ने बनाए रिड्यूस्ड एनएडी राइट और हम लोगों ने बनाई एफ जब मैं एन को रिड्यूस करता हूँ या जब मैं एफ को रिड्यूस करता हूं तो वो एक चार्ज बैटरी की तरह से हो जाता है और अब हम इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉट ए टी पी लेकिन सवाल ये प्रोड्यूस होता है कि हम एक एन से कितनी ए बना सकते हैं और एक एफ से हम कितनी ए बना सकते हैं तो आप लास्ट लेक्चर याद करें बिल्कुल सेंटर में मैंने लिखा था आप लोगों के लिए कि हम एक एन से तीन ए के मॉलिक्यूल और एक एफ से हम लोग टू ए के मॉलिक्यूल बना सकते हैं राइट बट हाउ वी कैन प्रोड्यूस दीज मॉलिक्यूल तो जाहिर आंसर है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और यही हमारा आज का टॉपिक है सो लेट्स मूव टू द Look at this, my dear students. I think आपको तो हो गया होगा कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन यही क्रैप साइकिल है लेकिन इससे पहले भी हमें बहुत कुछ करना होता है अगर आपको आज का ये लेक्चर समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इस पूरे के पूरे एरोबिक रेस्परेशन की समरी भी मिल जाएगी और ये ग्लूकोज तो आप right. है आपको पता है और मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स कि मैं इस ग्लूकोज को पहले दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता हूँ उसमें से एक का नाम आपको याद है डी था और एक का नाम क्या था मेरे पास जी थ्री पी ग्लिस्टल थ्री फॉस्फेट और मैंने आपको ये बोला था कि नॉर्मली जी डी पी ही जी थ्री पी में कन्वर्ट होता है और उसके उन्होंने लॉजिकल बेसिस भी देखी थी कि आखिर डी पी ही जी थ्री पी में कन्वर्ट क्यों होता है और जी थ्री पी डी पी में बहुत कम कन्वर्ट क्यों होता है उसके लिए मैंने मोटर यूज़ किया है और उसके लिए मैंने बारीक एरो यूज़ किया है यू नो पिक्चोरियल मेमोरी भी एक चीज़ होती है राइट right? अगर आपकी फिक्नल मेमोरी बहुत अच्छी है तो आपको एग्जाम्पल याद रहेगा कि जी थ्री पी डीए पी में बहुत कम कन्वर्ट होता है एक बारी करवर लगाया था और डी ए पी जी थ्री पी में कन्वर्ट होता है उसके लिए सर ने एक मोटा लगाया था एनी हाउ बात ये हो रही थी कि अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं कि हम इस जी थ्री पी से क्या बना लेते हैं दो मॉलिक्यूल्स किसके वेरी राइट बिल्कुल एक्सलेंट माई डियर स्टूडेंट्स पायरूवेट के ये आपको याद है तो मैंने एक मोलिक्यूल पायरुवेट का यहां बनाया और एक मोलिक्यूल पायरुवेट का मैंने यहां बना ली लेकिन आप जरा बात को उस याद रखें जरा याद करें सॉरी तो आपको याद आएगा कि इस जी थ्री पी के बनने के फौरन बाद हमने यहां पे एक क्या की थी स्टूडेंट्स हमने यहां से प्रोड्यूस किया था एक एन ए डी एच अगर आपको याद आया मैंने यह बात आपसे इसलिए की है क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसी में दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि मेरे बच्चों को किसी पॉइंट पर प्रॉब्लम ना हो इसका मतलब यह होगा कि अगर एक एनएडीएच यहाँ प्रोड्यूस हुआ तो एक एनएडीएच यहां पर प्रोड्यूस हुआ होगा तो दो एन एडीएच यहाँ प्रोड्यूस होगा राइट अब चलते हैं आगे आपको याद है कि मैंने इस पैरूवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में डाल दिया था राइट राइटो माइटोकॉन्ड्रिया में डालने के बाद हम लोगों ने यहां पर चलाया था एक लिंक रिएक्शन आपको अगर ये वाली फेज अगर याद हो कि जो पायरुवेट था वो बेसिकली इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया की इस बाहर वाली मेम्ब्रेन में चला गया था राइट right? ये अब ये जो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या बन गया पायरुवेट जब ये एंटर होगा यहां तो यहां पे क्या हुआ था लिंक रिएक्शन मैंने इस पर्टिकुलर जगह को लिंक रिएक्शन से जोड़ दिया ताकि आपको याद रहे कि लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेमरी के दरम्यान वाली जगह पे हुआ था और आपको ये वाली बात भी याद है कि इस केस में हम लोगों ने यहाँ पे दो काम किए थे एक तो ये कि मैंने यहां से सीओ टू बाहर निकाल दी थी जिसकी वजह से तीन कार्बन पायरुवेट तीन कार्बन पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया था एक दो कार्बन कंपाउंडर उसका नाम क्या था एसिटाइल और ये जो मेरे पास एसिटाइल बना था इसको मैंने एक सल्फर ब्रिज के थ्रू को एनजाइम ए से जोड़ दिया था तो उसका नाम बन गया था एसिटाइल को ये वाली बात भी याद है एक काम मैंने यहां और किया था जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि मैंने यहां पर भी क्या प्रोड्यूस किया स्टूडेंट्स एक एन ए डी एच टू प्रोड्यूस किया था अब अगर एक पारोबेट यहां एंटर होगा तो जाहिर है एक एन एडीएच टू बनेगा लेकिन चूंकि यहां पे दो पारोबेट बन रहे हैं तो जाहिर है दो प्रोड्यूस होगा अब ये एंजाइम ए यहां से कहा आया डेफिनेटली रेप साइकिल के पास हियर और इस दो कार्बन कंपाउंड को वेलकम करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑलरेडी प्रेजेंट था यस एंड प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट साइकिल ऑक्स याद है ना मिस्टर ऑक्स आपको या मैंने बोला था आवर तो इसमें बन गया था ऑक्जेलो एसीटेट ऑक्जेलो एसी आई थिंक मैं यह बहुत क्लोज तो लिख दिया मैंने तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा खुला के लिखता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो राइट right? तो हम लिख रहे हैं वॉट ऑगजेलो ऑगजेलो एसीटेट ये एक फोर कार्बन का पाउंड मैं आपसे अब आप मजीद बात ही करूँगा डिटेल डिटेल के साथ बस आपको ये बताऊंगा कि उसके बाद यहां पर आईसीटेल और यहां बन गया था व्हाट सिटरेट क्या बन गया था सिटरेट और फिर सिटरेट कन्वर्ट हुआ था इसमें आईसो सिटरेट में आईसो सिटरेट में और फिर आईसो सिटरेट किसमें कन्वर्ट हो गया था स्टूडेंट्स सिटी इज कैप्ट कैप्ट आपको याद है क्या था एल्फा कीटो ग्लूट्रेट एल्फा कीटो ग्लूट्रेट और फिर एल्फा कीटो ग्लूटरेट कन्वर्ट हो गया था किसमें सक्सीनाइल को एंजाइम ए में सक्सीनाइल सीओ ए में और फिर ये कन्वर्ट हुआ था किसमें सक्सीनेट में राइट सक्सीनेट और फिर सक्सीनेट कन्वर्ट हो गया था किसमें फ्यूमरेट में और फ्यूमरेट कन्वर्ट हो गया था मैलेट में राइट तो मैं फिर आप ये रिपीट कर रहा हूं मिश्रॉक्स ऑल सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मज और यू कैन से आवर ऑल सिटी इज केप्ट सेफ सेफ एंड फ्रॉम मॉन्स्टर्स यू टू लर्न ये बात मैंने आपसे दोबारा क्यों डिस्क्राइब की क्योंकि मैं आपको ये दोबारा से याद करवाऊं कि बेसिकली हम एन और एफ ए डी दोबारा कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको याद है स्टूडेंट्स कि यहां पे मैंने क्या किया था स्टार लगाया था और इसके साथ मैंने नाम लिखा था ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सीडेशन और उसके रिजल्ट में यहां प्रोड्यूस हो गया था एन ए डी एच टू इट इज इंपॉर्टेंट तो इसलिए मैं इसके बाहर एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल शो करने के लिए क्या कर रहा हूं एक स्टार बर्निंग सेम एन ए डी एच टू कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ तो इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल मॉडिक शो कर रहा हूँ डेफिनेटली मुझे यहाँ भी सिर्फ यहाँ यहाँ लगाना चाहिए था चले इसको मॉडिफाई कर ही लेते हैं स्टूडेंट्स बिकॉज एन ए डी की डेफिनेटली एनर्जी लेवल कम होता है तो मुझे इससे गेट इसको नहीं लगाना चाहिए था नो प्रॉब्लम एट ऑल हेंड्स आप भी कॉन्सेप्ट इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी एरर्स को ठीक कर सकते हैं तो बन गया मेरे पास एन एच टू फिर आपको ये वाली बात भी याद है स्टूडेंट्स कि जब मैंने यहाँ से इसको मूव किया तो मैंने यहां पे क्या बनाया था जीटीपी और पी पे फिर में कन्वर्ट हो गया था यस यू राइट वो कन्वर्ट हो गया था एटीपी में राइट इसके अलावा आपको ये वाली बात भी याद है कि यहां हम लोगों ने प्रोड्यूस किया था वॉट एफ ए डी एच टू कहाँ से एफ डी से तो ये भी मेरे पास क्या हुआ एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन गया फिर उसके बाद हमने यहां पे की थी हाइड्रेशन एच टू एड किया था और उसके बाद लास्टली हम लोगों ने यहां भी एन ए डी को एन ए डी एच टू में कन्वर्ट कर दिया था राइट right. अब आपने बातों को जरा गौर से सुनना है मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक और टिप दूं ये चीज याद करने के लिए पहले ये है कि आप लोगों को स्टेप के नंबर पर याद करने हैं कि ये था स्टेप नंबर वन था स्टेप नंबर वन था स्टेप नंबर थ्री था स्टेप नंबर फोर ये था स्टेप नंबर फाइव ये था स्टेप नंबर सिक्स सेवन और एट तो टोटल एट कैशन अब आप करना क्या है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि आपने याद रखना है कि तीन नंबर चार नंबर और आठ नंबर में क्या है हमारी अ नादिया साहिबा बैठी हुई है समझ लें यहां भी नादिया साहिबा हैं यहाँ भी नादिया साहिबा हैं ठीक है स्टेप नंबर थ्री फोर में और आ, स्टेप नंबर एट में भी नादिया साहिबा हैं फिर इनकी एक बहन है उनका नाम है फादिया और जो फादिया साहिबा हैं वो स्टेप नंबर सिक्स में है अब मेरे याद इसलिए करवाया ऐसे करवाया आपको आप चाहता हूँ क्या याद करें नादिया नादिया फादर नहीं नादिया 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 गिरे फादर की जो चीजें आपने बाहर बाहर लिखी है वो याद करनी है कैसे याद करनी है नादिया नादिया गिरे फादर पानी नादिया यानी ना, कि नादिया नादिया फादर के गए जल्दी से पानी लाओ तो बधबार रिपीट कर रहा हूं नादिया नादिया गिरे फादर पानी नादिया इस तरीके से आपको ये पॉइंट याद रहेगा कि सिर्फ आपने स्टेप नंबर तीन से बात याद रखनी है जो एक एक की आपके पास है स्टेप नंबर थ्री तो स्टेप नंबर थ्री से बात याद रखनी है नादिया नादिया गिरे फादर पानी नादिया राइट इससे आपको पता चल जाएगा कि है तो यहां पर किस किस पॉइंट पे एनएडी बन रहा है और किस किस पॉइंट पे एफ एडी बन राइट अब सवाल यह है कि हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि एनएडी कहां रिड्यूस हुआ और एफ एडी कहाँ रिड्यूस हुआ और कहाँ कहां एनएडी प्रोड्यूस और कहा एफ एडी प्रोड्यूस हुआ ये सारा कुछ प्रोड्यूस करने के बाद जो अगला स्टेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आखिर हम इस नादिया और फादिया के अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसे हम कैसे निकालते हैं राइट right? तो इसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट हाफ uh, की तरफ लुक एट दिस डियर स्टूडेंट्स यस आपको याद है कि हमने यहां डिस्कस किया था व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया अब इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है ये वाली मेम्ब्रेन ये वाली इसका नाम क्या था बोला इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन राइट right. और इसके अंदरूनी लूमन में क्या हुआ था चला था साइकिल और साइकिल ने हमें क्या किया बना के दिया जाहिर है ए एन डी बना के दिया एनएडी सॉरी और फिर बना के दिया एफ ए डी एच टू दो चीजें बनाकर अब इन दो चीजों के बनने के बाद जो काम होना था वो ये कि हम इसे डाल देंगे किस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ ऑपरेट होती है तो आंसर इज ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑन इनो इनर सॉरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इसमें ऑपरेट हो अब इसके ऊपर अगर आप आग देखें आप इसको फर्दर जूम इन करके तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स एफ नॉट पार्टिकल्स इन्हें हम लोग पहले एफ नॉट पार्टिकल्स कहते थे जब फर्दर रिसर्च हुई पता चला कि ये जो एफ नॉट पार्टिकल्स है जो लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर्स है बेसिकली वो तो क्या है एनजाइम्स हैं और ये वाले जो एनजाइम्स हैं वो क्या करते हैं वो एटीपी बनाते हैं जब वो एटीपी बनाते हैं तो जाहिर है मैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को जो एटीपी बना रहा है क्या बोलूंगा एटीपी सिंथेस या मैं उसे बोलूंगा एटीपी सिंथेटेस ठीक है सिंथेटेस अब ये जो एटीपी सिंथेटेस है ये बेसिकली एन ए डी एच टू को और एफ ए डी एच टू को यूज करता है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ व्हाट एटी परसेंट अब मैं आप लोगों के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ आई एम बैक माई डियर स्टूडेंट्स आफ्टर ड्राॅइंग दी आफ्टर ड्राॅइंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ और लाइन्स फॉर द ग्राफ और इस पर्टिकुलर लाइन्स के ऊपर डेफिनेटली हम ड्रॉ करने वाले हैं ग्राफ और इसके सारे दो एक्सेस उनमें से एक का नाम है एक्स एक्सेस और एक का नाम क्या है स्टूडेंट्स अब इस y पे मैंने क्या लेना है स्टूडेंट्स एनर्जी लेवल एनर्जी डिस्क्राइब करनी है मैंने मॉलिक्यूल्स की तो आपको याद है मैंने क्या बोला था कि एन ए डी एच टू से हम तीन ए प्रोड्यूस कर सकते हैं क्यों बिकॉज इस एन ए डी एच टू का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है और हम लोग एस ए डी से दो ए टीपी प्रोड्यूस कर सकते हैं क्यों एफ ए डी का एनर्जी लेवल एन ए डी एच टू से कम है ये पहला कॉन्सेप्ट है चूंकि एन ए डी एच टू एनर्जी लेवल में ज्यादा है तो हम उसे तीन ए टीपी बना सकते हैं और चूंकि एफ ए डी एच टू का एनर्जी लेवल कम है तो जहरा हम उससे क्या बनाएंगे टू ए टीपी मॉलिक्यूल्स तो लिख देते हैं यहां पे आप लोगों के लिए विल गिव मी थ्री ए टीपी मोलिक्यूल्स ये मैंने बहुत दफा रिवाइज कर दिया हमारे डियर स्टूडेंट्स आपको याद हो जाना चाहिए और जो एफ ए डी एच टू है उससे मैं बना सकता हूं क्या टू ए टीपी मॉलिक्यूल राइट अब एनएडीएच टू जो मेरे पास है अपने एस एन एडीएच टू में जो हाइड्रोजन है उससे सपरेट करेगा इन टू टू प्रोटोन्स और टू इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली है क्या ये सीरीज़ ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड डोनर्स इसका क्या मतलब होगा इसका मतलब सिंपल ये है कि ये हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को लेंगे उस वक्त वो क्या है रिसीवर है और उसे दे देंगे लो एनर्जी मॉलिक्यूल को तो उस वक्त वो क्या होंगे डोनर्स अब फॉर एग्जाम्पल एन टू जो अपने दो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली किसको देता है सबसे पहले हमारे पास मुलाकात होती है किसकी एक साइटोक्रोम की उसका नाम है साइटोक्रोम क्यू साइटोक्रोम व्हाट क्यू और एनडीडीएच टू ये दोनों सिग्निफिकेंट एनर्जी डिफरेंस के ऊपर लोकेट कर रहे तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि इमीडिएटली इमीडिएटली यहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेंगे जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेंगे तो वो एनर्जी किसके पास जाएगी जाहिर है ए डी पी और पी आई के पास जाएगी तो जू एडीपी और पी आई के पास समझी जाएगी तो यहां पे एन ए डी एस टू से पहला ए टी पी का मॉलिक्यूल बन जाएगा राइट right? तो ए टीपी का मॉलिक्यूल बन गया यहां पर पहला राइट right? उसके बाद उस स्टूडेंट्स इसके बाद फिर कंपेरेटिवली लेस सिग्निफिकेंट डिफरेंस के साथ मेरे पास अगेन क्या है सीरीज ऑफ साइटोक्रोम्स है पहले हम उनको ड्रॉ कर लेते हैं उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या है स्टूडेंट साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम वर्ड बी अब गौर से देखिए कि साइटोक्रोम क्यू का एनर्जी लेवल और साइटोक्रोम बी का एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट सेम है राइट इसका मतलब ये है कि इस वाले केस में चूंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करनी लिहाजा यहां पे एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो सकता उसके बाद मेरे पास एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस के साथ क्या आता है एक इलेक्ट्रॉन उसका नाम है साइटोक्रोम सी उसके बाद एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस के बाद आता है क्या साइटोक्रोम सी उसमें लिखते क्या है साइटोक्रोम सी अब ये इसमें काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट एनर्जी डिफरेंस है राइट तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहां पर भी हम किसको भेजेंगे जाहिर है ए डी पी और पी आई को भेजेंगे और जब मेरे पास ए डी पी और पी आई यहां पर मिलेंगे और उनको करके एनर्जी मिलेगी तो यहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा सेकेंड ए टी पी का मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल स्टूडेंट इनफेक्ट आई एम गोइंग टू रेस टाइम एडीन बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज द सेम कलर्स तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस वॉट ए टी पी तो ये तो मेरे पास दूसरा ए टी पी का मॉलिक्यूल आएगा फिर उसके बाद मेरे पास आता है साइटोक्रोम ए साइटोक्रोम ए और फिर आ जाता है ऑलमोस्ट लेवल पे साइटोक्रोम ए थ्री राइट right? चूंकि इन दोनों इन में इनमें भी ज्यादा जी का डिफरेंस नहीं है तो यहां पे भी एटी पे से नहीं होती लेकिन जब साइटोक्रोम ए थ्री में से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन सीधे किसके पास आ जाते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के पास राइट right? और वो जो हाइड्रोजन है वो क्या बन जाएगी फिर जाहिर है एच प्लस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन जाएगी हाइड्रोजन बन जाएगी और जब ये मेरे पास दो हाइड्रोजन के एटम प्रोड्यूस हो जाएंगे तो फिर इन पर्टिकुलर दो हाइड्रोजन के एटम प्रोड्यूस होने के साथ ही यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा कौन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रोटो हाइड्रोजन एक्सेप्टर उसका नाम मेरे पास क्या है ओ टू राइट और जू ही एच डिवाइड दो हाइड्रोजन के एटम से मिलेंगे तो मेरे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा जाहिर है वाटर अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ए थ्री से हम वाटर बनाएंगे तो इस टाइम पे मेरे पास फिर क्या आएगा वॉट डेफिनेटली ए डी पी और पी आई बिकॉज दर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द साइटोक्रोम ए थ्री एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस है वो क्या प्रोड्यूस करवाएगा डेफिनेटली ए थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ ए राइट इस तरीके से ये मेरे पास बन गए तीन ए के मॉलिक्यूल वन टू एंड थ्री ये कौन बनवा सकता है डेफिनेटली एनएडी लेकिन अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ मेरे पास एक ए का मॉलिक्यूल यहां बनवा सकता है और एक ए का मॉलिक्यूल यहां बनवा सकता है दैट्स वाइक हमने लिखा था कि एक एन टू की वैल्यू तीन एटीपी के बराबर और एक एफ एडी एस टू की को ये है कि इस सारे को हम याद कैसे रखें तो इसके लिए जो हमें जिससे हम लोगों ने याद किया वो ये था कि हम वही नादिया फादिया के नाम से उसको याद रखते थे कि नादिया फादिया क्यों राइट right? फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं जोर देके कि भाई क्यों आया राइट right? मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं कि नादिया फादिया क्यों, भाई क्यों आया राइट right? तो आप इस तरीके से इस सेंटेंस को भी याद रखेंगे तो आप लोगों को नादिया फादिया के भी याद रहेगा कि पहले बड़ी जो है वो नादिया साहिबा है छोटी जो है वो फादिया साहिबा है और सबसे पहले क्यू हाइट्रोक्रोम क्यू आता है फिर आगे बी सी ए और ए थ्री आया राइट right? तो इस तरीके से आप लोग इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को याद रख सकते हैं राइट अगर आप इसको देखिए तो दो इलेक्ट्रॉन यहां से चले हैं तो दो इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव करेंगे ये एक्सेप्ट कर लेगा फिर आगे अगर डोनेट कर देगा दो इलेक्ट्रॉन को राइट फिर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे फिर डोनेट हो जाएंगे फिर एक्सेप्ट हो जाएंगे फिर डोनेट हो जाएंगे तो ऐसे जो सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड डोनर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अब सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ ऑपरेट होनी जैसे मैंने पहले बोला कि इस पर्टिकुलर माइटोको की इनर मेम्ब्रेन में राइट अब होगा पर ये कि इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से मूव कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर एफ एच टू की ब्रेक डाउन से यहां पे प्रोड्यूस होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे अंदर वाली साइड पे ये ओपोजिट है किसके फोटोसिंथेसिस अब ये वाले प्रोटॉन्स जब इसके थ्रू मूव करेंगे आउटसाइड पर तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स यहां, यहां पर एटीपी के प्रोड्यूस होंगे लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में उसमें आपको याद है कि उस वाले केस में पे बे प्रेजेंट थे ए टीपीएस जो बाह की तरफ खुल रहे थे राइट वो तो जो बाह की तरफ खुलने वाले मॉलिक्यूल्स है वो बेसिकली क्या करते थे प्रोटॉन्स को बाह की तरफ सॉरी इधर की तरफ पंप कर रहे थे और जब अंदर की तरफ प्रोटॉन्स मूव होते थे तो एटीपी तो प्रोड्यूस हो रही थी लेकिन यहाँ पे हमने प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ मूव करना है तो जब तो कहां so, means, और जब प्रोटॉन्स बाहर की तरफ मूव होंगे तो फिर डेफिनेटली एटीपी प्रोड्यूस होगा कहाँ पर जाहिर है एटीपी सिंथेटेज के ऊपर सो ये प्रोसेसेस हर तरीके से मींस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हर तरीके से दूसरे के कैसे हैं ओपोजिट हैं वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस था ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस था उसमें हम लोगों ने एन को बॉडी से बाहर प्रोड्यूस किया था ग्रैनम के बाहर प्रोड्यूस किया था और यहाँ पे हम लोग माइड्रो प्रोटोन के अंदर एनएडीएच को ब्रेक करते हैं और उससे इंटरनल इन्वायरमेंट क्या हो जाता है एसिडिक बीस हाइड्रोजन प्रोटोन आइन ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं फिर इन प्रोटोन्स आइन की उस इलेक्ट्रॉन से मुलाकात होती है बाहर के जो बेसिकली क्या थे हाइड्रोजन आइटम्स और फिर वो जो हाइड्रोजन आइटम्स हैं वो किससे मिलते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ और क्या प्रोड्यूस हो जाता है वाटर दैट्स वाई के हमारे पास बनती है ये वाली इक्वेजन आपसे मिलते हैं इक्वेजन लिखने के बाद ये स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे कि हम आपसे के बाद तो कर रही है कि वही एन एडीएच है इसके साथ इसके पास हमने भेजे हैं थ्री आई वन ओवर वन ओवर हेयर एंड वन ओवर हेयर तो तीन आई मैंने भेजे राइट right? और एंड पे मैंने भेजा वॉट एक्सेप्टर समवेयर हेयर समवेयर हेयर एंड इट इज जब इनको आपस में तो मेरे पास क्या प्रोड्यूस हो गया हुआ जो दोबारा से रेडी है प्रोटॉन लेने के लिए टू कैरी आउट टू रेगुलेट और टू कंटिन्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और प्लस इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन सेप्टर की रिडक्शन से प्रोड्यूस हुआ मेरे पास वाटर और प्रोड्यूस हो गया मॉलिक्यूल्स अगर मैं इसी क्वेशन को लिखना चाहूँ फॉर एफ ए डी तो क्या होगा स्टूडेंट्स एफ ए डी एच टू विल कंबाइन मोलिक्यूल प्लस वाटर मॉलिक्यूल एंड प्लस टू ए टी पी मॉलिक्यूल तो ये है टोटल कैनाटिक्स राइट ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास खास के लेक्चर की आखिरी बात कि किस तरीके से हमारा एन और हमारा एफ प्रोड्यूस करवा सकता है थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट ए टी रेस्पेक्टिवली सो आई होप कि आप लोगों को सारी बातें पता चल गई होंगी नंबर वन कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्या चीज़ नंबर टू हमारे पूरे के पूरे ग्लूकोसि ब्रेकडाउन में एन प्लस एच प्लस कहाँ का प्रोड्यूस होता है एफ ए डी एच टू कहाँ का प्रोड्यूस होता है जीटीपी कहाँ प्रोड्यूस होता है प्लस हमने ये वाली बात भी देखी कि हम किस तरीके से एन ए डी एच टू को ब्रेक करते हैं उससे हम लोग बनाते हैं प्रोटॉन्स हाइड्रोजन आयन और वो वाले हाइड्रोजन आयन कैसे ए टी पी सी में से पास होते हैं और उससे बनाते हैं क्या डेफिनेटली एटीपी बिकॉज कि जब भी हाइड्रोजन आयन एटी पी सी में से पास होते हैं तो वो वाला मॉलिक्यूल रोटेट करता है एनिमेशन देखें आप लोग रोटेट करता है और रोटेट होने के बाद एडीपी और पी आई को आपस में जैम अप करके मिला के क्या बना देता है एटीपी राइट तो इस तरीके से ये हमारा ए टीपी प्रोड्यूस हो गया और फिर ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आइन्स है ये किससे मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स और बन जाता है जो ही हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं तो क्या प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन का एक्सेप्टर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज कॉल्ड एस ऑक्सीजन और उसके बेले से क्या बन जाता है वाटर राइट तो सी कैसे प्रोड्यूस हुआ वाटर कैसे प्रोड्यूस हुआ हमारे इस पूरे ग्लूकोज में बेस्ट है। आपने अपनी बुक के आखिरी पेज के ऊपर एक छोटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रेगुलेट कैसे होती है मिसाल के तौर पे कि अगर मेरी बॉडी में एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाए और एनएडीपीएच की प्रोडक्शन बढ़ जाए तो मैं एनएडीएच की प्रोडक्शन को कैसे कर सकता हूँ और ए की प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकता हूँ ऑन द अदर हैंड अगर मेरी बॉडी में एन ए डी एच प्रोड्यूस हो रहा है और ए ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो मैं कैसे ए को इनबेट कर सकता हूँ और एन को ज्यादा कर सकता हूँ आई होप के इस तमाम लेक्स दीज ऑल लेक्चर्स विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू और फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फीडबैक जस्ट यू कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड आई वुड लव टू Share your problems. Uh, may God bless you all and help you to gain your final destination. Till next lecture and next chapter. Uh, goodbye. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.